Let's learn it together with CA Manoj Poptani. नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज पोप्टानी आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल पे। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें कवर करेंगे। पहला, जिन लोगों का सिबिल स्कोर बहुत ज़्यादा कम होता है उन लोगों के साथ अक्सर एक परेशानी होती है कि उनको लोन नहीं मिल रहा होता है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस सबसे पहले करेंगे कि कम सिबिल स्कोर के साथ भी आप लोन कैसे ले सकते हैं, और दूसरा भाग रहेगा अपना सिबिल स्कोर आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं बहुत जल्द। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक के साथ, आखिर आप अपना सिबिल स्कोर कम होने के बावजूद लोन कैसे ले सकते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं दोस्तों गारंटर के साथ। गारंटर का होना एक लोन में आपके पोटेंशियली ये दिखा देता है कि कहीं ना कहीं वो लोन सेफ है। अगर एक इंसान का एक पर्टिकुलर बैंक में ऑलरेडी खाता है, अगर आप उस इंसान को अपने लोन के अगेंस्ट में गारंटर दिखा दो, वो चाहे आपके पेरेंट्स हो चाहे वो आपका कोई रिलेटिव हो, तो उस केस में बैंक का भरोसा बढ़ जाता है और वो लोन इजीली प्रोसेस कर सकते हैं। दूसरा जो एक एस्पेक्ट आता है वो ये कि आप लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी ले लीजिए। मान लीजिए आपके पास कुछ FDs हैं, गोल्ड है, म्यूचुअल फंड है, इनमें से कोई भी अगर चीज़ आपके पास अवेलेबल है तो उस लोन के अगेंस्ट में इन चीज़ों को सिक्योरिटी के तौर पर रखवा दीजिए। इससे क्या होगा, बैंक को एक कंफर्ट रहेगा कि भैया अगर कल को लोन में डिसऑनर होता है या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपकी सिक्योरिटी उनके पास पड़ी हुई है, बैंक इतनी तरफ से सेफ हो जाएगा, और जहां बैंक सेफ हो गया वहां आपका लोन की प्रोसेसिंग जल्दी हो जाएगी। इसके बाद जो तीसरा तरीका है वो है कि लोन अगर आपको आपके नाम पे नहीं मिल रहा है तो दोस्तों आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड तो है ही ना, स्पाउस के नेम पे ले लीजिए या ज्वाइंट ओनरशिप कर लीजिए। अक्सर लोग जो होम लोन लेते हैं वो ज्वाइंट ओनरशिप में लिया जाता है। बैंक सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे होम लोन के लिए रिकमेंड करता है कि अगर आपकी ज्वाइंट ओनरशिप है तो वो जल्दी फास्टर लोन प्रोसेस करवाते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो चौथा तरीका रहने वाला है वो ये कि आप ऑल्टरनेटिव बैंक्स के पास भी जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ रेगुलर बैंक्स के पास ही वो हक नहीं है कि वो लोन दें। इसके अलावा आपके पास हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, आपके पास स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं, आप चाहे तो NBFCs का भी रुख पकड़ सकते हैं। ये सब आपको लोन प्रोवाइड करते हैं और इनकी जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो इतनी स्ट्रिक्ट नहीं होती हैं जितनी कि एक नॉर्मल सरकारी या प्राइवेट बैंक की हो। रूरल बैंक्स तो यहाँ तक कि ये भी कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे रूरल बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स को यहाँ पे एक टारगेट मिला होता है कि जी लोन आपको प्रोवाइड करने हैं, तो एट टाइम्स वो कितनी बार होता है कि सिक्योरिटी और बाकी मेजरमेंट, चाहे आपका सिबिल स्कोर ही क्यों ना हो, इसको भी इग्नोर कर देते हैं इन ऑर्डर टू गिव द लोन्स। हाँ, ये ज़रूर है कि इस वाले केस में वो आपसे 3-4% ज़्यादा चार्ज करेंगे इंटरेस्ट, लेकिन आपको लोन जरूर मिल जाएगा। तो ऑल्टरनेटिव बैंक्स को कभी नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। दोस्तों, पांचवा सोर्स रहेगा आपका फ्रेंड्स एंड फैमिली। अक्सर हम लोग इग्नोर कर देते हैं कि भैया बैंकों के अलावा भी तो एक फ्रेंड्स और फैमिली है जो कि हमको लोन दे सकते हैं, तो आप उनके पास जा सकते हैं। बाकायदा पूरा अग्रीमेंट आप तैयार कर सकते हैं, जैसे कि आपके साथ बैंक करता है, आप उसमें अपने पेमेंट टर्म्स, इंटरेस्ट, सारी चीज़ें उसके अंदर मेंशन करके आप उन्हें रीपे कीजिए। इसके बाद दोस्तों छठा रूट आता है आपका कॉरपोरेट लोन। अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो बहुत सारी कंपनीज में क्या होता है कि उनका ऑलरेडी बैंक्स के साथ में टाई अप होता है, तो जिसके चलते अगर आपको कभी 1-2 लाख का लोन लेना हो तो बैंक्स आपको कॉरपोरेट टाई अप्स की वजह से वो लोन प्रोवाइड कर देते हैं, जिसके चलते एट टाइम्स वो ना तो आपका सिबिल स्कोर देखते हैं ना किसी तरीके की सिक्योरिटी। क्यों? क्योंकि आपको उनको पता है कि आपकी सैलरी उस बैंक में ऑलरेडी आ रही है आपकी कंपनी के द्वारा, तो ये भी एक अच्छा तरीका है उस लोन को लेने का। और लास्ट में दोस्तों, अगर कहीं से कुछ ना बचे, सिबिल स्कोर कहीं काम नहीं आ रहा, तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं सर, बहुत सारे होते हैं जो कि प्राइवेट हम देखते हैं पुराने ज़माने से चले आ रहे हैं, प्राइवेट में पैसा देते हैं, अब तो वो ऑर्गेनाइज फॉर्म में भी आ गया थोड़ा सा। मैं बताना चाहूँगा आपको कि पीयर टू पीयर की भी अब लेंडिंग होने लगी है, वो थोड़ा प्राइवेटाइज है लेकिन साथ में ऑर्गेनाइज है, तो ये भी एक सोर्स हो सकता है अगर आपको कहीं से लोन ना मिल रहा हो तो। तो ये थी दोस्तों 7 ऐसी जगहें जहाँ पे आपका सिबिल अगर आपको मात दे जाए तो भी आप लोन ले सकते हैं। तो अब चलते हैं दोस्तों हमारे वीडियो के दूसरे भाग में, जहां मैं आपको बताऊंगा वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके चलते आप अपना सिबिल स्कोर इम्प्रूव कर सकते हैं। दोस्तों, एनीथिंग बिलो 750 इज नॉट कंसिडर्ड एज अ वेरी गुड स्कोर। आपको 850 का टारगेट, 800 का टारगेट लेके चलना है, क्योंकि वहां पे वो एक्सेलेंट है। 750, 700 तक वो गुड है, उससे नीचे अगर वो गया तो बहुत सारे बैंक्स उसे एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। बिलो 700 तो कितने सारे बैंक्स हैं जो कि वहीं से अलविदा कह देते हैं, भैया हमारे पास तो आओ मत। तो ऐसे वाले केस में क्या कर सकते हैं कि हम 750 के स्कोर से नीचे कभी जाए ही ना। सबसे पहले दोस्तों, हमेशा अपनी पेमेंट टाइम पे करें, जितनी भी EMI हो, जो भी हो, आपको पेमेंट हमेशा टाइम पे करनी है, कभी भी डिफॉल्ट नहीं करना पेमेंट के वक्त।
दूसरी चीज जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है, अगर डिफॉल्ट हो भी जाता है तो उसे जल्द से जल्द चुकाने की कोशिश करें बिफोर द जनरेशन ऑफ सिबिल। सिबिल यूजुअली होता क्या है कि मंथ एंड पे जनरेट होती है, 2-1 दिन के बाद अगर डिफॉल्ट हो भी गया है, थोड़ा लेट भी हो गए हैं, तो किसी भी तरीके से ड्यू डेट के 2-4 दिन के अंदर अंदर पे ऑफ कर दीजिए। इससे ज्यादा डिले बिल्कुल भी नहीं कीजिए। कभी भी अगर मौका मिले, दूसरी चीज जो आपको दिमाग में रखती है, वन टाइम सेटलमेंट के चक्कर में ना पड़े। अक्सर लोगों के साथ होता क्या है कि जब डिफॉल्ट करने वाले होते हैं तो जी आपके ऊपर कर्जा 50,000 का, आप कहेंगे जी ठीक है बैंक के साथ हम वन टाइम सेटलमेंट कर लेते हैं, बैंक को उठा के दे देते 30-35 हज़ार और अपना छुट्टी। कभी भी नहीं दोस्तों, वहां पे वो जो 15,000 आप छोड़ देते हैं ना, वही आपके सिबिल में चमकता रहता है और वो आपको बाद में परेशान करता है जब आप किसी बड़े लोन के चक्कर में अटकते हैं। कभी नहीं करिएगा ये काम। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि राइट ऑफ करवाने का भूल के भी ना सोचें। अगर आप डिस्प्यूट के चलते राइट ऑफ लास्ट में करवा भी देते हैं तो वो राइट ऑफ भी आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दे जाता है। मान लीजिए अगर केस आपका डिस्प्यूटेड है, आपने एक पेमेंट करनी थी, वो जी डिस्प्यूट में फंस गई है, तो भी उस पेमेंट को होल्ड ना करें, पेमेंट पहले कर दीजिए हाथ के हाथ। चाहे भले ही बाद में उस डिस्प्यूट के लिए आप उठा के एक पॉलिसी के तहत अपनी क्वेरी डाल दीजिए, वो डिस्प्यूट चलता रहेगा, लेकिन पेमेंट अगर आपने रोकी तो वो आपके सिबिल को हिट करेगी ही करेगी। तो इसलिए कभी भी ना करें राइट ऑफ, सेटलमेंट वन टाइम, और उसके अलावा डिफॉल्ट। ये इन तीनों चीज़ों का सख्त ख्याल रखें कि आपको करना ही नहीं है चाहे कुछ भी हो जाए। इसके अलावा दोस्तों आपको एक हमेशा विजिलेंट आई रखनी है अपनी सिबिल रिपोर्ट पे। वक्त दर वक्त देखते रहा करिए आपकी सिबिल रिपोर्ट में क्या चल रहा है, कहीं कोई ऐसा तो नहीं कि कोई ट्रांजेक्शन है जो कि आपने कभी करी ही नहीं है और वो भी उसके अंदर दिख रही है। तो ऐसे वाले केस में आप अपने बैंक को कॉन्टैक्ट करके बोल सकते हैं कि जी ये चीज़ हमारे एंड से नहीं हुई है, इसे हटवा दीजिए, और बैंक तुरंत उसको हटवा देगा, सिबिल आपका प्रॉपर हो जाएगा। लेकिन इसके साथ में एक चीज़ हिदायत के तौर पर हमेशा याद रखिए, लगातार बैक टू बैक क्वेरीज मत कीजिए। अक्सर होता क्या, हमको एक बैंक से लोन लेना होता है, वो बैंक हमको नहीं दे रहा होता, हम दूसरे के पास पहुंच जाते हैं, दूसरे से पूछने, अच्छा तुम्हारे यहाँ ये इंटरेस्ट चल रहा है, चलो जी तीसरे के पास पहुंच गए। और जो बैक टू बैक जो बैंकों का चक्कर चलता है ना, ये सब कुछ सिबिल में रिकॉर्ड होता है दोस्तों। सिबिल इज वन स्टॉप सॉल्यूशन जहाँ पे सारे बैंक अपना डेटाबेस अपडेट करते हैं, तो हर एक बैंक का उसको पता होता है। तो ये भी चीज़ वो मेंशन करते हैं कि इस बंदे ने इतनी जगहों पे क्वेरी करी है, ये चीज को बिल्कुल अवॉइड कीजिए। तो ये थी वो सारी बातें दोस्तों जो आपको ध्यान रखनी है कि कैसे अपने सिबिल को इम्प्रूव किया जाए। दोनों चीजें मैंने आपके साथ कवर करी हैं, मैं उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपके लिए पॉजिटिव साबित हो, और एक कहीं ना कहीं जब भी आप लोन लेने जा रहे हो ये जरूरी बातें आपको जरूर मदद करें। मैं मिलूंगा दोस्तों आपसे अपनी अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, आपका दुआएं आपके प्यार ही हमारे को और ज्यादा प्रोत्साहित करती हैं आपके लिए बढ़िया से बढ़िया वीडियो लाने के लिए। मिलेंगे दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।